जो कॉमन तरह के जो डायबिटीज़ के जो प्रकार हैं, एक को बोलते हैं टाइप वन, जो कि शुरू से ही जिन मरीजों में इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कहते हैं वो इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, इंसुलिन डिपेंडेंट, उसको बोलते हैं टाइप वन डायबिटीज़। ये ऑटोइम्यून डायबिटीज़ होती है। टाइप टू डायबिटीज़ जिसमें कि शुरू में मरीजों को डाइट, एक्सरसाइज और दवाइयों के माध्यम से शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि अक्सर 20-25 साल के बाद देखी जाती है। तीसरी किस्म की डायबिटीज़ होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि गर्भवती महिला को ही होती है, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब भी अगर डायबिटीज़ का डिटेक्शन होगा उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो मोटे रूप से ये तीन, टाइप वन, टाइप टू एंड जेस्टेशनल। इसके अलावा कई अलग किस्म के डायबिटीज़ होते हैं। एक को बोलते हैं सेकेंडरी डायबिटीज़, किसी को पेनक्रियाज की प्रॉब्लम हो गई, पेनक्रियाटाइटिस, उसके कारण जो डायबिटीज़ है उसको सेकेंडरी डायबिटीज़ बोलते हैं। कोई आदमी स्टेरॉइड्स ले रहा है अपने किसी स्किन की बीमारी के लिए या दमे की बीमारी से, उससे जो शुगर बढ़ता है उसको भी बोलते हैं सेकेंडरी डायबिटीज़। एक नई किस्म की डायबिटीज़ है जिसको हम बोलते हैं लाडा, जो कि 30-31 साल के आसपास होती है, जो जो कॉमन तरह के जो डायबिटीज़ के जो प्रकार हैं, एक को बोलते हैं टाइप वन, जो कि शुरू से ही जिन मरीजों में इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कहते हैं वो इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, इंसुलिन डिपेंडेंट, उसको बोलते हैं टाइप वन डायबिटीज़। ये ऑटोइम्यून डायबिटीज़ होती है। टाइप टू डायबिटीज़ जिसमें कि शुरू में मरीजों को डाइट, एक्सरसाइज और दवाइयों के माध्यम से